आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखो यहाँ पर जरा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा बराबर 2 है, 2, तब क्या टेन क्यूब अल्फा प्लस साइन के पावर 5 बीटा का मान क्या होगा, ये हमको बताना है। ठीक है, देखो क्या हो जाएगा कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा क्या है, 2 है। ठीक है, हमको पता है कॉस का मैक्सिमम अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है, और कॉस का अधिकतम मान क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, तब जब दोनों अपने अपने अधिकतम मान पे होंगे तभी जा करके ये दो वैल्यू दोनों जोड़ने पर दे पाएंगे। तो मतलब कि कॉस स्क्वायर अल्फा का मान, मतलब कॉस अल्फा का भी मान 1 होना चाहिए, कॉस बीटा का भी मान 1 होना चाहिए। ठीक है, ये होगा कब, जब अल्फा और बीटा हमारा दोनों क्या हो, 0 0 डिग्री हो। ठीक है, तो मतलब कि अल्फा बराबर कॉस 0 1 होता है, तो अल्फा बराबर 0 और बीटा बराबर 0। ठीक है, तो अल्फा बीटा 0 हो जाएगा, तो हमको ये निकालना है कि क्या टेन क्यूब अल्फा, तो टेन क्यूब 0 प्लस साइन के पावर 5 बीटा, तो वो भी हो जाएगा 0। ठीक है, तो टेन 0 क्या होता है, 0, और साइन 0 क्या होता है, 0, तो 0 बराबर 0 प्लस 0, तो 0 कौन सा हमारा सही रहेगा, बी वाला क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।